हार्दिक भाई लूडो ले आओ, जाओ ले आओ यार, यार उससे हो गया, तुम भी यार तुम पागल हो गया, जाओ लेके आओ, जाओ हार्दिक, हार्दिक भाई लेके आओ, हार्दिक भाई लेके आओ, मैं लेके आऊं। बताओ तू आए, तुम भी चाहते हो कि कर रहे हो, खेलना चाह रहे हो, कर रहे हो उसी में, नहीं तुम लोग इतनी छीछा ले इधर मचाओ कमेंट में, यहाँ हम गांव में यहाँ हम तो कोई के रिप्लाई नहीं दे पाए, तमीज नहीं कमेंट करने की, बदतमीज कहीं के। Hey guys, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। इधर मैं सब्जी लेके बैठी हूँ, सब्जी साफ सुथरा की है, सब्जी आज छोटू ले आया है, तो इसमें काली मिर्च है थोड़ी सी बची है, काली मिर्च लेना है क्योंकि मुझको काली मिर्च की ज़रूरत ज़्यादा है, थोड़ा सा आंवला लेके आया है चटनी बनाने के लिए, पता नहीं है मुझको आंवला खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग आंवले का पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, फिर उसमें क्या कहते हैं छठ में चढ़ाते हैं, इसको भी किसी से पूछना ही पड़ेगा। खाना रेनु बना रही है, खाना बन रहा है, शाम हो गई है, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो भी बना लूं, फिर कूलर की आवाज़ आ रही होगी, वो ठीक है तो मेरी तबीयत नहीं। रेनू ये कागज खराब है सब, ऐसा हार्दिक के पापा का कागज है, फिर फालतू पेपर है सब। उठा ला ये रेनू, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। देखो हम क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं इधर, खांसी बहुत है, सुबह सुबह तो इतना परेशानी बढ़ जाती है कि पूछो मत, नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, पूजा कर रही है, देखो चाय का पानी रखी हूँ, पहले गर्म पानी पीऊँगी फिर चाय पीऊँगी, इसमें क्योंकि ना मुझको बहुत सुबह सुबह प्यास लग जाती है, गला वाला सब जाम हो जाता है खांसते खांसते, पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है मुझको। पानी ज़्यादा गर्म है, यहाँ किचन जहाँ बना रखे हैं इस टाइम, वहाँ जंगल है सामने, तो ये बेल का पेड़ है, बेल की पत्ती कितनी सुंदर सुंदर है, याद हो जाए जा सुना तो मम्मी मम्मी मत कर।
चले, चीनी नहीं, डब्बे में चीनी निकाले, फिर वीडियो सुबह के डालना है ना, इसमें चीनी रखते हैं, चीनी नहीं, चीनी मंगाना पड़ेगा, कुछ सामान मंगाना पड़ेगा किचन का। अभी इनका सुबह नहीं हुआ है, ये उठ के पढ़ रहे हैं। देव, ए देव, ए बाबू, चीनी आज लेना पड़ेगा, इतना ही चीनी बची है। हाँ बेटा, सड़ गया है। अरे उखड़ेगा कैसे, ऐसे उखड़ जाएगा पागल। उदार धोरा गैस बना है ना एक किनारे। दर्द करेगा फिर गर्म पानी पी लो एक गिलास। हार्दिक कह रहा है उसका उखड़ गया है, उसका कह रहा है मेरा उखड़ गया है लग रहा है। मैं तो काली चाय पीती हूँ ना सुबह, इन लोगों के लिए दूध वाली बनी गई, मेरे लिए काली थी, मैं पहले काली बना के पी लूँ फिर इन लोगों के लिए दूध वाली, उसी में दूध और चाय पत्ती बढ़ा देंगे, दूध हो जाएगा। हार्दिक पांडे की तबीयत हुई खराब, क्या हुआ है? नारा खड़ी। नारा क्या होता है? पता नहीं, कैसे बोले और नारा उखड़ गया है? मम्मी बोली तो मैं भी बोलती हूँ। अरे तुम्हारी मम्मी का ये नारा उखड़ गया है? तुम्हारा मुंह भी काला काला लग रहा है, लिबरा लिबरा जैसा, अजीब सा गंदा गंदा। साबुन से मुंह धुले नहीं हो ना कल से? नहीं, इसीलिए गंदा लग रहा है। सच में जब मुंह नहीं साफ रहता बच्चों का तो बीमार होने का लक्षण है। बीमार तो बच्चे वाले। हाँ तो बीमार है तो उसको मुंह धुल के साफ करके रखो। आज वीडियो बंद करूँगी क्योंकि सुबह हो गई है, टाइम हो गया है वीडियो का पब्लिक करने का। कल अपने मतलब हमारे भारत में एक रतन टाटा थे, उनकी मौत हुई है, डेथ हुई है, मरती थे किस वजह से कैसे ये सब तो नहीं पता है, पर कल एक यूट्यूबर हैं अंशु मौर्या, उन्होंने वीडियो डाला तो रात में मैंने देखा, पर रात में मैंने कोई इस तरीके का, मेरा चैनल भी नहीं है कि न्यूज़ का हो या वो तो डालूं, पर मैंने कहा थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में कर ली जाए। रतन टाटा जो थे अपने देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और दानी भी बहुत बड़े थे, सुने बहुत अपने वर्करों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधा देते थे जितने लोग उनके यहाँ काम और करते थे। टाटा का कंपनी भी था उनका, जो भी था जैसे भी था, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उसके लिए ओम शांति जरूर लिखे, उनके लिए ओम शांति जरूर लिखे। हार्दिक बोल रहा है, मेरे ज़्यादा किसी को बोलना आता है तो बस ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि वीडियो छोटी छोटी रहती है। कल की वीडियो आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है सब की, इधर देखिए आप लोग को दिखाए थे। इसको हार्दिक ने कुछ बना के टांगा है, मैं इसको बना के दिखाऊंगी, ऐसे नहीं बस आपको इतना छोटा सा दिखा देती हूँ कि ये क्या है। नहीं अभी नहीं है, वीडियो हो गई है, वीडियो पूरी हो गई है ना, तो ये हार्दिक का काम है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाबा की तबीयत कैसी है? सही है। रात में पेट दर्द किया है बाबा का, फिर से सुना है मसाला। हाँ वही मसाला सब्जी हमको भी लग रहा है, चावल नहीं वो कहा है हमको, चावल नहीं मुझसे थोड़ा मोड़ा ही मसाला था ना, वीडियो को बंद करते हैं। यही था आज की वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए पापा की तबीयत छोड़ो बाय।